रहे हैं, आइयो सब अच्छे होकर बैठ बैठ हो गए। तो आप सोचते हो कि आज हम लोग इतने सकड़ खाते हुए कहाँ जा रहे हैं, और आप ये भी सोचते हो कि आप इतने दिन के बाद फिर से रिटर्न आ गए, क्योंकि कुछ काम था और हम आपको उस काम को भी दिखाएंगे कि हम क्या काम कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग ब्लॉग में नहीं आ पा रहे थे, उस चीज़ को भी हम आने वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। और बहुत दिनों के बाद आज हम लोग अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो आज हम फिर से जा रहे हैं कुरकुरी कपड़ा लेने, हमें कुछ कपड़ा लेना था संदीप को भी और मेरे को भी। और हम लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ का रोड बन रहा है गाइस, इतना धूल धक्कड़ कि सुबह के बज रहे हैं 12 और हम लोग जा रहे हैं हमें कपड़ा लेने। गर्मी बहुत है, आप देख सकते हैं धूल धूल भी बहुत है, कुछ नहीं दिखता है गाइस रोड में, बहुत मुश्किलों से जा रहे हैं हम लोग गाइस, और पूरा आँख में धूल घुस गया, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा रोड बन रहा है, देख सकते हैं कितना मस्त है, स्लिप खाएगा आराम से गाइस। तो आने वाले ब्लॉग में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हम क्यों बिजी थे और कहाँ पे बिजी थे, इतने दिनों से हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आने वाले ब्लॉग में सब बताएंगे। यहाँ रास्ते में तो नहीं बता पाएंगे गाइस, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ का रास्ता स्लिप करने का भी डर, इतना पानी पानी रोड है, कादो कादो पूरा पैर पूरा गंदा और रेस्टोरेंट के पैर। तो हम लोग जा रहे हैं कपड़ा लेने कुरकुरी, वहाँ से फिर घर आएंगे रिटर्न, पता नहीं वहाँ कितना रेट लेट लगेगा कपड़ा लेने में, तो मिलते हैं वहाँ। तो देख सकते हैं पूरा लद्दाख वाला सीन लग रहा है यहाँ पे, पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए पूरा जा रहे हैं, देख सकते हैं पूरा लद्दाख वाला सीन लग, पूरा रोड को यहाँ पे तोड़ दिया गया है, रोड यहाँ चौड़ीकरण हो रहा है, रोड बहुत चौड़ा हो रहा है। पिछले वीडियो में भी ये दोनों वीडियो दोनों मतलब एक होगा, पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए थे कि यहाँ का रोड बनने वाला है, देख सकते हैं कितना तेज़ी से गाड़ी आ रहा सामने से, पूरा रोड ख़त्म है, देख सकते पूरा रोड ख़त्म है गाइस। और हमारे तपकरा में तेल का भी बहुत शॉर्टेज है, बहुत दिक्कत हो रहा है वहाँ पे पेट्रोल का, हम लोग दो जगह से डलवाते हैं, एक जगह आधा लीटर मिला और वो भी 140 रुपये लीटर लिया, शुरू में मतलब संदीप का पापा का टंकी से तेल निकाले एक डिस्पोजल, फिर आधा दूर तक आए एक जगह तेल मिला तो 140 रुपये लीटर लिया, वहाँ से तेल लिए, फिर हम लोग आगे आए, फिर वहाँ से 120 रुपये लीटर मिला, वहाँ से हम लोग लिए आधा लीटर, वैसे ही करते करते अब जा रहे हैं कुरकुरी, और पता नहीं रिटर्न में भी वापस मिल पाएगा नहीं तो गाड़ी को धक्का लेके देना पड़ेगा। हमारा दोपहरा में तेल ख़त्म हो चुका था, 1 बजे तक आएगा बोला है, और हमें दोपहर में बहुत धूप हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाला पोपट हो रहा है, हम लोग ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए इस तेल का शॉर्टेज की वजह से, पैदल इधर से उधर हो रहे थे, इधर रास्ता थोड़ा दूर दूर से तो अच्छा है। देख सकते हैं हम लोग अंधेरी में घुसते हुए लद्दाख का पूरा व्यू लेते हुए हम लोग जा रहे हैं रिटर्न घर की ओर, हम कपड़ा ले चुके हैं, ये पकड़ा हूँ मैं आपको, घर पहुँच के दिखाएंगे पूरा धूल, क्या ही बोलेगा इस बेकार है, अब इतना दूर कभी नहीं आएंगे हम लोग कपड़ा लेने, वहाँ हमारे यहाँ भी मिल जाएगा, नया नया दुकान था तो पहले हम लोग अच्छा रेट देता था, अब तो कुछ रेट का कुछ डिफरेंस आया है, तो फिर हम लोग अब वहीं से लेंगे अपना तपकरा एरिया से। और बाकी कोई और भी कुछ काम था, स्पेशल कपड़ा लेने नहीं आए थे, और भी कुछ काम था इसी वजह से आए थे, और फिर अब जा रहे हैं घर, देख सकते हैं पूरा लद्दाख का सीन व्यू। और गाइस आप लोग बताओ सब कैसे हो, बहुत दिन हो गया आप लोग से कैसे हो करके पूछे नहीं हम लोग, तो आई होप सब अच्छे होंगे, गर्मियों के मौसम में अपने घर में होते होंगे। और बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग जो हमारे आसपास के थे, बहुत जो हमारे जान परिचय के थे, वो लोग मैसेज करते थे इंस्टाग्राम पे और बोलते थे ओ भाई ऑफ रोडिंग, तो वो लोग बोलते थे कि भाई या क्यों वीडियो नहीं डालते हो, क्या हो गया भाई, ऐसे ऐसे करके बोलते थे, तो हम लोग उनको जवाब देते थे कि कुछ प्रॉब्लम आ गया है चैनल में, कुछ प्रॉब्लम भी है ना कि हमारे ना हम लोग में कुछ प्रॉब्लम आया है,
बाकी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे ये सस्पेंस बनाइए आप लोग, बहुत इसमें बताने नहीं बन रहा गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, कुछ दिन बाद आएगा, तो हो सके तो कल ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम था, क्या वजह था जिसकी वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, उसके बारे में सब बताएंगे, पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। तो फिलहाल के तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि रास्ता देख सकते हैं आगे काम हो रहा है रोड का। यहाँ से कुनकुरी से तपकरा, जसपुर से कुनकुरी तो बन चुका है रोड, और कुनकुरी से तपकरा बनने वाला है, तो यही बन रहा है। कुनकुरी से आधा दूर तक तपकरा नहीं पहुँचा है, बाकी पहुँच जाएगा कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद हमारे तपकरा का भी ऐसे ही हाल होगा, और पूरा तपकरा का घर सब भी टूट जाएगा। ये देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, पूरा ऐसे ही मतलब रोड खोल के पूरा, क्या ही बोले, इतना मतलब इतना धूल, आँख पूरा लाल हो गया है। तब देख ही सकते होंगे यहाँ तक रास्ता का काम बन रहा है, और इससे आगे हमारे तपकरा तक पूरा बनाना बाकी है। बाकी वहाँ उधर तक आधा रास्ता खुला चुका है, और यहाँ भी थोड़ा बहुत हो चुका है, बाकी इधर अपना काम नहीं चल रहा, उधर से होते हुए काम आ रहा है इधर। लिटरली गाइस अभी तक हम लोग वहाँ से निकले इतना देर हो गया, लेकिन पता ही नहीं, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब जा रहे हैं चल रहे हैं, धूप बज गया, और इतना धूप, इतना हवा चल रहा है ना, गर्म हवा, और इंजन भी गर्म हो गया, गाड़ी का पैर भी गर्म लग रहा है, रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अभी सब जा रहे हैं। सेम टू सेम संदीप भी यही कलर कर लिया है, ये संदीप को भी और मुझे भी एक ही कलर पसंद आया, दोनों के कलर सेम था, दोनों ने ले लिया। और कूलर का बहुत नॉइस आ रहा था, इसलिए मैं कूलर बंद कर दिया, गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन वीडियो में बहुत नॉइस आ रहा था। तो आप सोचते होंगे हम दोनों से कहा थे संदीप और मैं, हम दोनों ने मिलकर एक शॉप खोला है, मोबाइल शॉप, आपको कभी आने वाले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, इसीलिए हम थोड़े बिजी हो गए थे, वीडियो नहीं डाल रहे थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।